नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में एक और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अब विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाना है, क्योंकि हमारे रेलवे के द्वारा इसके रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों जो रेलवे स्टेशन होगा इसको एक पूरा का पूरा कंप्लीट मेकओवर दिया जाएगा, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्काई वॉक्स, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, रूफ प्लाजास, एमेनिटीज, फूड कोर्ट्स, कमर्शियल प्लेसेस, ये सभी चीज़ें बनकर तैयार होंगी। और स्पेसिफिकली हमारी जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको इसके रीडेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी गई है। कहा ऐसा गया है कि इस रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के ऊपर ओवरऑल 393.76 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे, और एक बार जब इसका रीडेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसके अगले 3 सालों के अंदर अंदर इसको पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 1500 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को सेटअप करेंगे, और इसके लिए उन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों जो काम होगा ये दिल्ली का जो PWD डिपार्टमेंट है उनके द्वारा किया जाएगा, और क्योंकि आज के समय में दिल्ली में वाटर प्रॉब्लम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और दिल्ली में बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी नीचे जाता जा रहा है, तो इसी के चलते इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को सेटअप करना एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है। कहा ऐसा गया है कि एज ऑफ नाउ दिल्ली में ओवरऑल 927 इस तरह के पिट्स बने हुए हैं, और अब इसमें 1500 से ज़्यादा और पिट्स ऐड किए जाएंगे, स्पेसिफिकली दिल्ली के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इन एरियाज में पिट्स को सेटअप किया जाएगा। और इनिशियली इसकी स्टार्टिंग दिल्ली के साउथ वेस्ट एरिया से होगी, जहां पर 12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को सेटअप करने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है नागपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महामेट्रो इन दोनों ने मिलकर दो न्यू रिकॉर्ड्स कायम कर दिखाए हैं, जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो जो पहला रिकॉर्ड है उसके अंतर्गत नागपुर मेट्रो में एशियास लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाइड एड बनाकर कंप्लीट किया गया है, जिसमें एक एलिवेटेड हाईवे भी है, और इसकी जो लेंथ है वो 3.14 किलोमीटर की बताई गई है। और वहीं दूसरा जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसी डबल डेकर वाइड एड के ऊपर, जो कि सिंगल पियर्स का बना है, 3 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो कि पूरे एशिया में अवेलेबल नहीं है। और कहा ऐसा आ गया है कि डबल डेकर वाइड एड है ये एक 3-लेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें फर्स्ट लेयर पर एक प्री एग्जिस्टिंग हाईवे है, सेकेंड लेयर पर फ्लाईओवर है, और वहीं थर्ड लेयर पर नागपुर मेट्रो का कॉरिडोर है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की एक और डिफेंस फैक्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनकी एक न्यू डिफेंस फैक्ट्री को सेटअप करने का काम कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि कर्नाटक में बनकर तैयार हुई है, और यहां से जो पहला लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कंप्लीट कर दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो फैक्ट्री थी इसका फाउंडेशन स्टोन 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया था, और इस फैक्ट्री को अब इंडस्ट्री 4.0 नॉर्म्स, IT सर्विसेज, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेंटर, इन सब फैसिलिटी से इक्विप कर दिया गया है। कहा ऐसा गया है कि जो फैक्ट्री है ये ओवरऑल 615 एकड़ के एरिया में फैली है, जहां पर इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक रशियन कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेगा, जिसके थ्रू इस फैसिलिटी में 200 रशियन कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसमें से 135 हेलीकॉप्टर्स हमारी इंडियन आर्मी के लिए होंगे, जबकि 65 इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। एज ऑफ नाउ क्योंकि ये बनकर तैयार हो गई है तो इसके फेज वन के अंतर्गत पर ईयर यहां से 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। फ्यूचर में इसको 60 यूनिट्स पर एनम तक भी इंक्रीज किया जाएगा। अगले 200 अपडेट निकल कर आई है पंजाब स्टेट में कैंसिल हुए एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में एक टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, और अब इसका जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं, तो जो प्रोजेक्ट था या फिर जो टेक्सटाइल पार्क था इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टेक्सटाइल पार्क स्कीम है उसके अंतर्गत सेटअप किया जाना था, और ये स्पेसिफिकली लुधियाना के कुमकला विले में बनकर तैयार होना था। जुलाई 2020 में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया था, और एज ऑफ नाउ 957 एकड़स ऑफ लैंड भी इसके लिए एक्वायर की गई थी, लेकिन यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनके द्वारा कंटिन्यूसली इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार होता तो सतलुज रिवर, क्योंकि हमारे देश की वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है, वो पोल्यूट भी हो जाती। साथ साथ क्योंकि इस टेक्सटाइल पार्क को एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया के पास से सेटअप किया जा रहा है, तो जो एनिमल्स थे जो कि प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनको भी एक खतरा बन सकता था, और इसी कारण के चलते अब पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन जीनियस एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को लेकर, जहां पर दोस्तों INS विक्रांत के जो फोर्थ फेज के सी ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं और अब 15 अगस्त को इसको हमारी इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से अराउंड 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो INS विक्रांत है उसके फोर्थ फेज के जो सी ट्रायल्स हम स्टार्ट कर दिए गए थे और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि सी ट्रायल्स 2 वीक्स के होंगे जिसके बाद अगस्त में इसकी कमीशनिंग होती हुई देखने को मिलेगी और अब एग्जैक्ट 2 वीक्स के बाद इसके जो फोर्थ फेज के सी ट्रायल्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, जहां पर इसके ज्यादातर इक्विपमेंट एंड जो सिस्टम्स हैं उनके ट्रायल लिए गए हैं जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं और अब 15 अगस्त को इसको हमारी इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। कहा ऐसा आ गया है कि इनिशियली इस एयरक्राफ्ट करियर पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एंड जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ऑपरेट किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश की एक और स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में उनकी जो स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको और भी इन्हांस करेंगे और अब इसके चलते वो उनकी एक न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं जो कि कर्नाटका स्टेट में स्पेसिफिकली बेंगलुरु में ही बनकर तैयार होगी। दोस्तों स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये 4 एकड़ के एरिया में फैली होगी और स्पेसिफिकली इसके लिए बेंगलुरु का जो देवनहली एयरोस्पेस SEZ है उसको सिलेक्ट किया गया है। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है और अब फर्दर अप्रूवल के लिए इसको कर्नाटका स्टेट की जो स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी है उसके पास भेजा गया है और क्योंकि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है तो आप ये समझिए कि एक तरह से ये प्रोजेक्ट अप्रूव ही हो चुका है। तो इसी के चलते इसका जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो भी स्टार्ट हो गया है। कहा ऐसा आ गया है कि एक बार जब ये स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो यहाँ पर सैटेलाइट एंड सर ऑर्बिटल, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल्स, इस तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है UAE बेस्ड लुलू ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनके बिजनेस को एक्सपांड करते हुए लुलू ग्रुप के द्वारा लखनऊ में एक न्यू मॉल बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। साथ साथ यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। दोस्तों लुलू ग्रुप का जो मॉल है ये 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है और पिछले कुछ समय से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब जाकर ये कंप्लीट हुआ है। कहा ऐसा गया है कि इस मॉल में एक डेडिकेटेड वेडिंग शॉप अरीना, 15 डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, कैफेज, फूड कोर्ट्स, PVR सुपरप्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, इस तरह की चीज़ों को बनाकर कंप्लीट किया गया है और क्योंकि अब ये लखनऊ में ओपन कर दिया गया है तो UAE बेस्ड लुलू ग्रुप का ये हमारे देश में 5th मॉल है क्योंकि इससे पहले इन्होंने कोची, बेंगलुरु, थिरुवनंतपुरम एंड थ्रिसूर इन 4 सिटीज़ में भी उनके एक एक मॉल्स को सेटअप कर दिया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा कहा गया है कि हमारे देश की जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको रैंप अप किया जाएगा और अगले 7-8 सालों के अंदर अंदर ये कैपेसिटी डबल कर दी जाएगी। दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ हमारे देश की जो ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 120 मिलियन टन की है। इसी के चलते हमारा देश वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर भी है, लेकिन अभी इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बड़ा है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी है और दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज ही होती जा रही है और इसमें बहुत ही कम डाउनफॉल देखा गया है और क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े स्टील जैंट्स एंड बहुत सारी मिडिल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उन्हीं के रिजल्ट के बेसिस पर ये प्रोडक्शन टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक हमारे देश की जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 240 मिलियन टन पर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये टारगेट कंप्लीट होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद का वीडियो को देखने के लिए।